कृष्ण बच्चों, तो आज मैं फिर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लास 10 यूनिट 2 बहुपद का बेसिक फंडामेंटल का थर्ड क्लास लेकर आया हूँ, राइट। तो जिससे कि आप, अगर आपका ये जो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए 2.1, 2.2, 2.3 यानी पूरा यूनिट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जो टेबल है, ये ग्राफ है, इसमें कैसे खींचा जा रहा है, ये बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चों को। बच्चों को सिर्फ स्कूल में ये सिखा दिया जाता है या टीचर सिखा देते हैं कि भाई ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, ये दो बार काट रहा है तो उसको 2 सेकंड लग गए, ये कैसे हुआ, ये समझना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ जाएगा तो फिर आगे बड़ी क्लासों में भी हमारे ये क्या करेगा, हमारी मदद करेगा, राइट। तो ठीक है, डिले ना करते हम उसको ध्यान से सीखते हैं। तो देखो, ये मैंने आपके एनसीईआरटी के बुक का 26 पेज नंबर पे आपके पास टेबल दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है और इस समीकरण का टेबल दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने उसी को पिक किया है ताकि अगर आपको बाई चांस आपके पास बुक हो तो बुक के साथ आप ऐसे बैठ कर ध्यान से उसकी गहरी स्टडी भी कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ये बात समझना हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्या है, द्विघात समीकरण कैसा ना, द्विघात समीकरण जो ग्राफ को किस तरीके का होता है, तो देखो आप वहां पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे परवलय यानी पैराबोला टाइप का होता है, पैराबोला टाइप का ये ग्राफ बनाता है। लेकिन रैखिक समीकरण कैसा बनाता है, एक सीधी रेखा बनाती है, राइट। तो पैराबोला तो ये जो पार्टी की क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया कि अगर पावर 2 है, बेसिक फंडा पहले क्लास में बताया था पावर 2 था, शून्य कितने निकलेंगे, 2। तो सो ग्राफीय विधि पर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अगर वो 2 शून्य 2 है तो कैसे बन रहा है ना, वो 2 शून्य आ कैसे रहा है, ये ग्राफ हमें बताएगा, राइट। और फिर मैं उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, वही शून्य आपको जब सॉल्यूशन करेंगे तो वही शून्य आएगा और ग्राफ भी आपको वही शून्य बताएगा, राइट। तो हम देखते हैं, जैसे कि मानो ये सारा तो मैं सॉल्व नहीं करता, मैं 1-2 सॉल्व करके बताता हूँ। हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, x²-3x-4। तो देखो, जब x की वैल्यू मैंने क्या रखा, यदि यदि x की वैल्यू मैंने रखा -2, तो अब y की वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो y की वैल्यू निकल के आएगा आपके पास, x की वैल्यू क्या रखना है, देखो समीकरण क्या आपके पास, ये है समीकरण, राइट। तो समीकरण ये तो x की जगह रखना आपको -2 रखना है, 2 का स्क्वायर रख दो, और यहाँ x की वैल्यू -2 रखना है, -4 यहाँ रख दो, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या, तो क्या आगे 4 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 × 6 + 6 होगा -4, राइट। तो अगर आप देखो, ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 आ गया रिजल्ट इसका। तो देखो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट। ऐसे ही यदि x बराबर क्या रख रहे हो, -1 है ना, तो -1 रखने से क्या होगा, -1 रखने से तो y की जो वैल्यू क्या आएगा, तो वही समीकरण क्या आपके पास यहाँ पे इस तरीके से, राइट। तो x की वैल्यू क्या रखना है, -1 रखना है, -1 का स्क्वायर रख दिया आपने, यहाँ पे भी क्या रखना है, -1 रखना है, -4 रखा, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1 का 1, और 3 × 1 दोनों माइनस है, गुणा में है, तो -1 का +3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ये भी +4 - 4 कैंसिल हो गया, 4 में 4 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो क्या दिखा आपके पास, -1 रखने से आएगा 0 आया, ऐसे अगर आप 0 रखेंगे तो 4 आएगा, 1 रखेंगे -6 आएगा। इस तरीके से आप फर्दर और चेक कर सकते हैं, खुद भी इसकी प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए मैं आपकी जो अब हम ये मान के चलते हैं कि आपने इसकी वैल्यू रखना शुरू कर दिया और आपको ये वैल्यू आपको आपको मिल गया, आप करके देख, मैं आपको बार बार बताऊँ, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो फिर अब हम क्या करते हैं, सारे पॉइंटों को इस ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो प्रेजेंट करा, तो जब x की वैल्यू -2 था, जब x की वैल्यू क्या था, -2, देखो आपको जब x की वैल्यू होगा तो आपको या तो उधर जाना है या तो -2 यहाँ पे, जब तो y की वैल्यू क्या 6 है, तो आपके आपका पॉइंट कहाँ जाएगा, 6 के आगे आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, यानी हो जाएगा -2 और ये 6 निकल गया, राइट। ये पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरा क्या कहता है, -1, जब -1 था तो y की वैल्यू कितनी थी, 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया जाएगा, जब -1 तो y की वैल्यू 0, तो y ना ऊपर जा सकते ना नीचे, तो ये आपको पॉइंट हो जाती है, आपके पास क्या आ जाएगा, -1 रखने से 0 निकल गया। दूसरा पॉइंट क्या, 0 से 4, जब x की वैल्यू 0 था, तो जब x की वैल्यू 0 था तो y की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट कहाँ निकल के आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 0 रखने से, x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू क्या आपके पास, 4 निकल गया, राइट। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, राइट। अब आपके पास क्या है, अगर x की वैल्यू आपके पास 1 रखने से, x की वैल्यू आपके पास 1 है, तो y की वैल्यू क्या निकल गया आपके पास, 6 निकल गया, ये यहाँ पे निकल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या रखना है, जब y की वैल्यू आपके पास 1, x की वैल्यू आपके पास जब 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आपके पास, -6 निकल गया, राइट। जब y के x की वैल्यू 2 रखा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आपके पास, x की वैल्यू 2 रखने से y 2 रखने से -6 क्या निकल के आया, 6 निकल गया, x तो -6 क्या निकल के आया, 6 निकल गया, तो ये भी पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो आपके पास 2 रखने से -6 निकल गया, उसके बाद फिर क्या, 3 रखने से, x की वैल्यू 3 रखने से y की वैल्यू क्या, 4 निकल गया,
तो चार यहाँ रखेंगे, तीन रखने से एक्चुअली तीन रखने से चार निकल गया माइनस का चार, ऐसे चार रखने से क्या निकल गया जीरो, ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। और चार अगर चार रखने से क्योंकि वाई की वैल्यू ना ऊपर जा सकता है नीचे, तो क्या आ जाएगा आपके पास जीरो आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू पांच रखने से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास छह आ जाएगा, और आप कहाँ पे आ जाएगा आपका जो ग्राफ है यहाँ पे पांच और छह आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस ग्राफ को मैच करने का प्रयास करते हैं, राइट। तो इसको हम क्या करें, फ्री हैंड से ना, फ्री हैंड से इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, राइट। तो फ्री हैंड से इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसा होता हुआ, राइट, ऐसा होता हुआ आपके पास एक्चुअली यहाँ पे क्या था, माइनस का फोर था, ठीक है, माइनस का फोर था। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आया था, राइट, यहाँ पे आया फिर फ्री हैंड था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से होता हुआ ये क्या जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ठीक है, यस। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर ये यहाँ से फ्री हैंड होता हुआ ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे, उसको मिलाना है आपको, और कुछ नहीं करना, क्या करना है मिलाना है। और ये मिलाता हुआ जब जाएगा, मिलाता हुआ जाएगा, तो आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, राइट। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, ये जो ग्राफ इस तरीके से जाया है आया है, ये क्या है, परवलय ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं, परवलय ग्राफ, है ना, परवलय यानी क्या है, ये पैराबोला। इसको एक आगे जब आप बड़ी क्लासों में आप सीखेंगे तो उसको उसको पता चलेगा कि आपके ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाता है, पैराबोला, राइट। तो पैराबोला ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है, ये जो पैराबोला जो ग्राफ है, जो ग्राफ लाइन है आपके पास, है ना, ये जो ग्राफ लाइन है, इस ग्राफ इस इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, ये वाला इक्वेशन है। इसको यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स माइनस में फोर, ये ग्राफ है, राइट, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, यानी दो बार काट रहा है, दो जगह काट रहा है। तो उसको शून्य कितना होगा, दो शून्य होंगे इसके, उसको शून्य कितने होंगे, दो होंगे, लेकिन कौन कौन से दो होंगे, है ना, इसको शून्य कितने होंगे, दो होंगे, यानी दो जगह काट रहे दो होंगे, लेकिन कौन कौन शून्य को कहाँ काट रहा है, ये एक्स इक्वल टू क्या होता है, इसका इसका सॉल्यूशन क्या है, दो शून्य होंगे, तो कौन कौन से दो शून्य होंगे, माइनस का एक और कहाँ काटा से चार, तो चार होगा, यानी शून्य कितने निकले, दो शून्य तो निकले, माइनस एक और चार, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, इस समीकरण को अगर आप सॉल्व भी करेंगे, तो देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, यानी एक्स स्क्वायर इस समीकरण के आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स माइनस फोर, इसको अगर आप सॉल्व करो तो भी इसका शून्य क्या निकल के आएगा, माइनस एक और चार ही निकल के आएगा। देखो सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर, तो उसको आपको मैंने समझाया था इसे पिछले वीडियो में, इसी इसी क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो वहां पे भी आपको देखना है। तो बीच वाले टर्म को दो भाग को डिवाइड करो तो माइनस का एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का एक्स। तो उसको सॉल्व करने से देखो माइनस का चार में से एक्स आएगा, माइनस तीन आ जाएगा वापस, और जब इसे गुणा करेंगे तो वापस आएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से वही आएगा, राइट। तो ये आ जाएगा एक्स कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे जो चार टर्म है बढ़ जाता है, तो यहाँ से और यहाँ से आपको कुछ कॉमन लेना होता है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या कॉमन लेंगे आप, तो कॉमन लेंगे आप जो दोनों के पास होता है, एक्स कॉमन ले जाता है, एक्स माइनस में चार बच गया, और जब यहाँ से आपने एक कॉमन लिया तो क्या बच गया आपके पास, यहाँ बच गया एक्स माइनस में चार, राइट। ये जो दोनों टेबल क्या होता है, ये जो दोनों बॉक्स होता है ना, ये ब्रैकेट, ये तो सेम मिलता है, तो उसको एक बार लिखना होता है बेटा, और एक्स प्लस में एक को एक बार लिखना होता है, ठीक है। तो एक्स माइनस में चार बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, चार हो गया, एक्स प्लस में वन इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गया। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, चार और माइनस के एक ही निकला है, राइट। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, जब आप ग्राफ के विधि से सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा, राइट। तो अब क्या है 2.1 में, क्या हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ग्राफ दिए हुए, इसमें इसमें क्या हुआ, ग्राफ दिया हुआ ना कि कैसे, तो आपको देख कर बताना है कि ये क्या है, कितना शून्य होगा। तो आप जब आपको ये बात समझ में आ जाएगा, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर क्या होगा 2.1 में, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये भाई आपको देखना है कि यहाँ पे एक शून्य है, यहाँ दो शून्य है, तो आप आसानी से इसको क्या करेंगे, समझ पाएंगे। और ये चीज अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बड़ी क्लासों में भी, 11th 12th में भी आपको ये बात आपकी मदद करेगा, गारंटी से मदद करेगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को आप स्किप करके आगे मत बढ़ो, गहराई से किसी बात को समझो और फिर उसको समझ कर आगे बढ़ने का प्रयास करो, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट, थैंक यू।